हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बादली से इस वक्त की बड़ी खबर, मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन टकराए हैं, धुंध और कोहरा हादसे की वजह बना है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, दो घायल हो गए हैं। मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन टकरा गए, केएमटी पर लंबा जाम लगा है। धुंध और कोहरा इस हादसे की वजह बना, कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया है, कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। धुंध और कोहरे के चलते यह हादसा हुआ, मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए, धुंध और कोहरे के चलते यह हादसा हो गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, दो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया है, केएमपी पर लंबा जाम लगा। तो कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया है, एक की मौत इस हादसे में हुई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन टकराए हैं, धुंध और कोहरा इस हादसे की वजह बना है। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया, कड़ी मशक्कत के बाद जाम को भी खुलवाया गया है। हादसे में एक की मौत हो गई है, दो शख्स घायल बताए जा रहे हैं कि एमपी पर लंबा जाम लग गया। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक, कितना भयावह हुआ होगा। धुंध और कोहरा इस हादसे की वजह बना है, बता दें आपको, धुंध के चलते हादसा हुआ जहां कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केएमपी पर लंबा जाम लग गया है और कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया गया, कई वाहन आपस में टकरा गए। मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन टकराए हैं और धुंध और कोहरा हादसे की वजह बना है। धुंध के चलते यह हादसा हुआ, विजिबिलिटी कम होने के चलते, क्योंकि धुंध हो रहा था इस दौरान, कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया, कि एमपी पर जाम लग गया था जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया है। बादली से इस वक्त की बड़ी खबर, मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहन टकराए हैं और धुंध और कोहरा हादसे की वजह बना है।